क्या करे कोई क्या करे। चलते चलते जब किसी मोड़ पर रास्ता रोक ले ये हवाएं दो दिशाएं, ये हवाएं दो दिशाएं। आदमी कितना मजबूर है, आदमी कितना मजबूर है। जिंदगी एक दस्तूर है, मंजिले सामने है मगर रास्ता किस कदर दूर है। कोई क्या करे बस बिन सोचे जब कोई चल पड़े, क्या पता किस तरफ ले जाए दो दिशाएं, ले जाए दो दिशाएं। अरे आप यहाँ खड़े हैं, नीचे से ली अरे दुल्हन को लेकर आते ही होगा। तुम जाओ माँ, मुझे यही रहने दो। तुम जाकर अपने बेटे और बहू का स्वागत करो। ये आप क्या कह रहे हैं, नीचे इतने मेहमान हैं, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, वो लोग क्या समझेंगे? हाँ, लोग क्या समझेंगे, इतनी बड़ी खुशी के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा है। फिर भी अरु के लिए हमें सब कुछ सहना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। आ गए। लो माँ, तुम्हारा बेटा और बहू। पहले आओ मेरे साथ। और यहाँ तुम्हें क्या हुआ? क्यों? तुम लोग दुल्हन के साथ रहो। रास्ता दीजिए प्लीज, हटिए। क्या बात है? चोर है, कुछ चुरा कर भाग रही थी। नहीं नहीं, बेचारी गरीब है, भूखी होगी, कुछ खाने को दे दो। कोई भी कारण मालूम होती है। बहू रानी, बहू रानी, दीदी सुन, मैं तुम्हारे संसार में कुछ लेने नहीं आई। मैं तो तुम्हारे बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आई हूँ। कुछ नहीं हरी का, आप इन लोगों को नीचे ले चलिए। आइए आप लोग चलिए। मम्मी, ये वही है ना जिन्हें बचपन में मैं आंटी कहा करता था? हाँ बेटे, जानते हो
जब तुम और बहू मेरे पैर छूने आए थे मैंने क्यों रोका था? क्योंकि मैं तुम लोगों की कोई भी नहीं हूं। ये सब क्या कह रही हो मम्मी? हाँ बेटे ये सच है। आज तुम दोनों के लिए ये जान लेना ही अच्छा है। तब तुम बहुत छोटे थे। डैडी, डैडी, ये तो साइलेंट। मैं नहा रहा हूँ अरुण। मेरी बात मानो तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम अपनी बीवी को भूल ही जाओ तो अच्छा है। लेकिन अरू अरू को कब तक बहलाता रहूंगा? जब देखो एक ही सवाल, मम्मी कहाँ है, मम्मी कब आएगी? मम्मी आ गई डैडी। विलियम भैया मैं बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मम्मी कहाँ है डैडी? अरे मम्मी भी आती होगी बेटे, पहले पापा को पप्पी दो। देखो हमारा बेटा, राजा बेटा पहले नहाएगा, फिर नाश्ता करेगा, फिर स्कूल जाएगा, हम ऑफिस जाएंगे। हाँ चलो चले। ये देखो हरी काका भी आ गए। चलो बेटा। हरी काका, मम्मी आ रही है। हाँ हाँ मम्मी आ रही है, चलो जल्दी नहा लो। अरे वाह। अच्छा संजू, तू कह रहा था तेरी मम्मी भाई खरीद के लाई, कहाँ से लाई? मम्मी कह रही थी कि वो बहुत बड़ी दुकान से खरीद कर। अच्छा डैडी, अब रोज स्कूल के लिए मुझे 2 रुपए चाहिए। 2 रुपए किस लिए? मैं रुपए जमा करके मम्मी खरीदूंगा। अच्छा। हाँ वो मेरे स्कूल में पढ़ता है ना संजू, उसकी मम्मी बाजार से एक छोटा भाई खरीद के लाई है। देखो बेटा 2 रुपए छुट्टे तो नहीं है, ये लो 5 रुपए। अब जाओ जल्दी से अपना बैग ले लो, फिर नीचे चल के नाश्ता करेंगे। हाँ ड्राइवर गाड़ी रोको। संजू आ, आना आ आ। देख ये तो है मेरी मम्मी। ये तेरी मम्मी? अरे वाह मैंने मम्मी का फोटो देखा है ना, चल अंदर चल मिल जाएगी, खरीद लेंगे। नहीं नहीं तू जा, अगर मुझे देर हो गई तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी। अच्छा जा। यही ना 250। 250 इसकी कीमत क्या है? किसकी? ए, इसकी। ओ, बहुत सस्ती है। सस्ती है? ठीक। ए रीना क्या हुआ? कुछ नहीं, दाम पूछने आया था, बता दिया। तू ऐसी हरकतें करती रहेगी किसी दिन मुसीबत में पड़ जाएगी। अरे छोड़िए यार कुछ नहीं होता। आइए क्या चाहिए? मुझे खरीदना है। क्या खरीदोगे? ये ये या ये? नहीं मुझे मम्मी खरीदना है। मम्मी? हाँ वो बाहर शोकेस में रखी है ना, उस पर दाम भी है ना, वो मम्मी चाहिए। वो मम्मी? हाँ।
वो देखो। और कोई कलर नहीं? हाँ पिंक। जी नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। ऑरेंज? क्या चाहिए? हमको तुम चाहिए। मैं? हाँ। मुझे मांगता है? मांगता नहीं, खरीदने आया हूँ। खरीदने? हाँ, तुम मेरी मम्मी हो ना? क्या? मैंने तुम्हारा फोटो देखा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। डैडी का बात कभी नहीं खोलता, उस दिन खोला था तो छोटे से देख लिया। पर बेटे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तुम्हें मुझे डैडी और खरी दादे की तरह धोखा देना चाहती हो? धोखा? नहीं बेटा, किसी ने तुम्हें गलत समझाया? नहीं, मैं खुद जानता हूँ। सब बोलते तुम आ जाओगी, आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। चलो ना मम्मी। लेकिन तुम यहाँ किसके साथ आए हो? अकेला आया हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी है। चलो ना मम्मी। क्या बात है उमर? कुछ नहीं, ओ मेरा पर्स दीजिए जरा। ओके। चलो। आओ ना मम्मी, आओ ना। तुम यहाँ रहते हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम? आओ ना मम्मी, आओ ना, आओ ना मम्मी। ये मेरा घर। ये फोटो किसका है? अरे ये तो डैडी का फोटो है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं डैडी और छोटा। हरी दादा। अरे सुनो। हरी दादा, हरी दादा इधर आओ। वो देखो मम्मी। कौन है आप? हाँ ना मेरी मम्मी है। मम्मी, हरी दादा तो एकदम बुद्धू है। हाँ हाँ मैं बुद्धू हूँ। चलो कपड़े बदल लो। नहीं मम्मी, मेरे कपड़े बदलेगी। मम्मी तुम चलो, मैं कपड़े लेके। देखिए वही तो देख रहा हूँ, ताज्जुब है। क्या ताज्जुब है? आपकी शक्ल बिल्कुल बहुरानी जैसी है। जब मैं ही चकरा गया तो बच्चे का क्या कसूर? आप खड़ी क्यों आई? मुझे क्या मालूम था, जहाँ मैं काम करती हूँ वही बेचारा आ गया और कहने लगा कि मैं ही उसकी मम्मी हूँ। बच्चे की बात थी, उसका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। मगर क्या हुआ आपकी बहुरानी को? ये बात इस घर में बिल्कुल मत पूछिए। ये सवाल करने का किसी को हुक्म नहीं है, इसीलिए घर के सब नौकर चाकर निकाल दिए गए। मगर इस तरह से एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढते हुए कहीं भी निकल पड़ता है? यही तो सारा मामला है। जब से अरुण थोड़ा समझदार हुआ, उसके दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमते रहता है, कहाँ है मेरी मम्मी, कब आएगी वो? मम्मी, कपड़े बाद में बदलना, चलो पहले दूध पी लो। नहीं, दूध तो मुझे मम्मी पिलाएगी। अच्छा बाबा, मम्मी तुम्हें दूध पिलाएगी, मैं दूध लेकर आता हूँ। अरे बेरा, उमा चली गई क्या? हाँ, एक बच्चा आया था उसके साथ चली गई। बच्चा? मुन्ने राजा को मम्मी ने दूध पिला दिया। देखो बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो यही है। हाँ वो तो है, लेकिन देखो मेरे घर में भी मेरी मम्मी है ना, मैं उनसे बोले बगैर चली आई हूँ। तो फिर बताओ, घर घर पर बोलती आओगी, हमेशा हमारे साथ रहोगी, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अच्छा बेटा, अब मैं चलो। अरे वाह, तुम डैडी से नहीं मिलोगी? नहीं बेटा, बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। मम्मी,
अगर डैडी ने पूछा मम्मी क्यों चले गई तो उनसे कह देना मैं बाद में उनसे मिलूंगी। हाँ अच्छा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अरे दरबार बद्दा जी क्यों लोग आवे क्या कि नहीं? उमा दीदी अभी तक नहीं आई। माँ जी तू के उमा नहीं आवी? इतना रात हो गया नहीं? अरे दिख रही हो बद्दा लोग किधर गया? दिख रही हो दाम पूछा था ये तो उसे मार बैठी थी पर मैं आज तो दिख भी गई। तू? हाँ मम्मी आज तो मैं एक बच्चे के हाथ कौड़ियों के मोल दिख गई। ओफो डैडी तुमने कितनी देर कर दी है। अरे थोड़ी देर पहले आते तो मैंने मम्मी खरीद ली है। अच्छा चलो चलकर देखते हैं। मम्मी मम्मी तो चले भी गई। चली गई? हाँ और बोल कर गई कल से हमारे साथ रहेगी। अरे बेटे ये लेकर तुम ऊपर चलो मैं अभी आता हूँ। किसकी बात कर रहा है? क्या बताऊँ छोटे बाबू आज एक लड़की आई थी देखने में बिल्कुल बाबू रानी जैसी थी। क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ छोटे बाबू। वो यहाँ आई कैसे? आरू बाबा कह रहे थे उसे किसी दुकान से खरीद कर ले आए। और तुमने उसे घर में घुसने दिया? अरे तो बच्चा है तुम तो समझदार हो सकता है वो कोई चीट हो। क्या हो? हो सकता है कोई धोखेबाज हो। बच्चे के बहाने घर में घुसे और तुमने उसे रोका तक नहीं। मैं उसे रोकता कैसे? अरे बाबा उसे अपनी मम्मी समझ कर ले आए। दिन रात अरे बाबा एक ही दुख में घुलते रहते हैं मम्मी 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 और हमेशा हम उसे धोखा देते आए हैं। थोड़ी देर के लिए अगर उसने किसी को मम्मी समझ लिया सुख पा लिया तो उसमें क्या हुआ? अरे काका सब कुछ जानते हुए तुम ऐसी बातें कर रहे हो? यही तो मुश्किल है मेरे लिए। बाप बेटे दोनों का दुख एक सा है। जब जिसका दुख देखता हूँ उसी के बारे में बोलता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बस यही है। लो सुन लो मम्मी अब इस अपने घर में तुम्हें एक मम्मी नहीं रही एक छोटी मम्मी और आ गई है। ये क्या हाहा लगा रखा है? है? ये कोई जोक होता? हम कोई सुनना मांगता बच्चे का बाप कौन होता? बच्चे का बाप कोई भी हो मुझे उसे क्या लेने देना। लो मम्मी सुन लो बच्चे की माँ बन गई और बोलती है कि बच्चे के बाप से क्या लेना देना। तू चुप रहे जब देखो बड़बड़ करती रहती है। तुम जाओ मुंह हाथ धो करके आओ हमको एवरीथिंग इन डिटेल सुनना मांगता है। अरे तुम छोके लोग हमको बहुत हैरान करता है। खुदाई जी हमको कोई बच्चा नहीं दिया। तुम्हारा बाबा जी एक दिवस एक छोकरी लेकर आया बोला ये तुम्हारा दिकरी है बस ऐसा करके 10 दिकरी लाकर मेरे सिर के ऊपर डाल दिया खुद गुड बाय करके ऊपर जा करके बैठ गया। हमारा मुन्ना बेटा नाश्ता करके स्कूल जाएगा डैडी ऑफिस जाएंगे है ना। लाओ दूध लाओ। डैडी आज भूलना नहीं। क्या भूल गए? आज मम्मी आने वाली है ना। अच्छा तुम जल्दी से दूध तो पी लो। मम्मी अरे तुम। हाँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। घर चलकर दोनों मिलकर खाएंगे। देखो बेटा मैं रोज रोज थोड़े घर चल सकती हूँ। क्यों? मैं तो हर रोज घर जाता हूँ सबकी मम्मी तो घर में ही रहती है। चलो ना मम्मी। ठहरो। एक्सक्यूज मी बेला तुम जरा इनको अटेंड करो मुझे घर जाना। चलो बेटा
चलो अरु, अभी तुम दूध पिएगा। हाँ ये लो। मम्मी तुम आज यही रहोगी ना? देखो बेटा, घर में मेरी भी मम्मी है ना, मैं उनसे पूछना ही भूल गई, कल मैं पूछ कर आऊंगी। हाँ फिर मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। लो मम्मी, डैडी आ गए। डैडी जल्दी आओ, देखो मम्मी आई है। मम्मी? हाँ आना आना। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी 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 कहाँ हो तुम? मम्मी देखो डैडी आए। हरी दादा, मम्मी कहाँ चली गई? यही तो थी। तुम्हारी मम्मी चली गई बेटे, आओ तुम दूध पियो। हैप्पी होम। सुनिए, आप यहाँ? आप पहचानती हैं मुझे? मैंने आपके घर में आपका फोटो देखा था। मैं तो खुद ही आपसे मिलने के लिए जल्दी घर आया था, लेकिन मेरा सामना करने के डर से आप पिछले दरवाजे से भाग निकले और जल्दी मैं अपना बैग भी भूल गई। थैंक यू। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? क्यों? मैं ये पूछने आया हूँ आपका इरादा क्या है। इरादा? एक मासूम बच्चे की कमजोरी का फायदा उठाकर आप हमारे घर में घुस पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? यही कि बड़ा घर दिखाई दिया तुम्हें, शान शौकत आराम आसाइश का सारा सामान देखकर एक बच्चे की मासूमी से खेलने लगी आप। समझी, मगर आपके उस बड़े घर में, उस शान और शौकत के माहौल में मुझे तो सिर्फ एक ही चीज नजर आई, वो है सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच में मैंने एक मासूम बच्चा देखा जो माँ के प्यार के लिए तरस रहा है, और उसकी मासूमियत का सहारा लेकर आप सब लोग उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए वो बेचारा माँ खरीदने के लिए बाजार में निकल पड़ा। यहाँ मैं ये बहस करने नहीं आया, और उनके लिए मैं काफी हूँ, अपने बच्चे की देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ। आइंदा उस घर में कदम न रखें तो बेहतर होगा। मम्मी, देखो बेटा, तुम यहां मत आया करो, मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? बहस नहीं किया करते, तुम जाओ। तुम घर नहीं चलोगी? नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अरे उमा, आज इतना जल्दी आ गया, तबीयत तो ठीक है? अरे जवाब पर नहीं देता। मरे रे, हम पूछता है तुम बोलता पर नहीं है, हम मैं रह गया, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। एंग्री कैसे होता है? आज अपना बच्चा का साथ में गया नहीं तुम? मम्मी, क्या मैं लालची हूँ? नहीं। क्या मुझे दौलत चाहिए? क्या भक्ति है? हाँ मम्मी, ये दौलतमंदों को बहुत घमंड होता है अपनी दौलत पर। मैं जानती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक एक माँ बनने का भी हक नहीं है मेरे पास। अगर मुझ में एक मासूम बच्चे को माँ नजर आ गई तो इसमें मेरे क्या कसूर है? अरे, अरे तुम रोता है, कौन तुमको ये बात बोला? बोलने दो, बोलने दो। तुमको याद नहीं, तुम्हारा बाबा जी बोलता था कि तुम लोगों का आंसुओं को कोई कीमत नहीं है। ये सोसाइटी, ये दुनिया कितना भी दोष दे, कितना गाली दे, उसका परवाह नहीं करने का, उससे दुखी भी नहीं होने का है। चलो चलो मेरे साथ आओ, आओ। अरे काका, अरु कहाँ है? ऊपर है, मैं क्या बताऊं, रोते रोते घर आया, कहने लगा मम्मी नहीं आई। मैंने कहा चलो दूध पी दो, तो गुस्से ने कहा दूध भी नहीं पीऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, रो रहा है। ठीक है, तुम दूध लेकर आओ, मैं देखता हूँ। अभी जाता हूँ। अरु, अरे बेटे,
क्या बात है, नाराज है हमसे? हाँ सो गया क्या? इसे तो बुखार है। अरे काका हेलो, डॉक्टर वर्मा को दे दी प्लीज। डॉक्टर वर्मा ने ठीक ही कहा है, तुम जाकर उस लड़की को ले ही आओ। कैसी बात करते हो विनय भैया, मामूली बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। देखो जितेश, मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ। अनु के मन में, उसके सब कॉन्शियस में माँ की कमी का दुख समाया हुआ है। वो माँ के प्यार के लिए चुपचाप मन ही मन तड़पता रहता है, और जब उसने उस लड़की में माँ की इमेज, माँ का रूप देखा है तो उसी के लिए तड़प रहा है। तुम ये काम करो, तुम जाकर उसे ले आओ ना। बात यह है विनय भैया, मैं उससे उस लड़की को कुछ कह बैठा। अरे तो उसमें क्या हो गया? तुम अरु की तबीयत के बारे में उसे बताओ, मुझे यकीन है कि लड़की जरूर आ जाएगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। यहाँ उमा नाम की लड़की काम? जी हाँ, मगर वो दो चार दिन से काम पर नहीं आई है। आप बता सकते हैं कहाँ रहती है? बरसवा में अपना घर है, वहीं रहती है। अपना घर? मिसेज रुस्तम जी हैं ना? साहब क्या नाम बताओ? अरे अजीब मामा मा, मरे ने अंदर आओनी आओनी आओनी। कैसी हैं आंटी? कितना दिवस के बाद में आंटी को याद किया। तुमने भी कभी याद किया आंटी? डैडी थे तो कभी कभी डोनेशन लेने आ जाती थी। हाँ अजीत बाबा, देखो नी खुदाई पर अपन क्या मर्जी था, जिसका दिल में अपना घर का वास्ते इतना सिंपति था, उसका अपना घर ही बिगड़ गया। और तुम्हारा अंकल को देखो नी, दोस्त चला गया, उसका पिछू पिछू वो पन चला गया, हम सबको अकेला छोड़कर। चलो आए पन खुदाई नी मर्जी। हाँ पर तुम आओ नी, अंदर आओ नी। आओ 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 आओ, बैठो बैठो। अरे अजीत बाबा, बहू का कुछ खबर? कुछ नहीं आंटी। अजीत बाबा, तुम दूसरा मैरिज काय को नहीं कर लेता? अभी पिछला वीक तुम्हारी बुआ का बनारस से लेटर आया, बेचारा कितना दुखी होकर लिखा। ये सब बातें रहने दो आंटी, आज मैं तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अपना घर में कोई उमा नाम की लड़की रहती है? उमा? उमा को तुम कैसा जानता है? उमा? अरे ठहरो ठहरो, तुम्हारा एक बच्चापन है नी, क्या नाम है उसका? अरु। अरु? अरु तुम्हारा बेटा है? हाँ अरु ही उमा को माँ बनाकर अपने घर लाया था। और तुम समझा कि वो पैसा का लालच में तुम्हारे घर को आया? ये बात नहीं है आंटी, मुझे क्या मालूम था उमा अपना घर की लड़की है। अगर मुझे मालूम होता, मैं क्या उसके बारे में ऐसा सोच सकता था? किस्मत ने उसके साथ में बहुत अजीब खेल खेला है, उसे एक माँ का रोता हुआ दिल ही तुम्हारे घर पर ले आया था, वो कभी माँ नहीं बन सकता। क्या मतलब? उमा गांव का एक बहुत गरीब लड़की था, उसका माँ बाप दोनों मर गया था, चाचा चाची उसको बहुत टॉर्चर करता था, पता नहीं किधर से एक कमीना घुड़सवार। तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? लो मैं उठा देता हूँ, ये लो ये लो। क्या देख रहे हो बाबूजी? लड़की कौन है? उमा 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 उमा। हाँ ये कहीं आसपास रहती है क्या? वो सामने वाले घर में, अपने मुरली काका क्या बेटी है उसकी? नहीं भतीजी, इसके माँ बाप तो कब के लामलेट हो गए, क्या चाचा चाची क्या रहती? बाबूजी ये शहर नहीं, क्या गांव, या जरा हाथ पाँव संभाल के चलना। अच्छा है, ठीक है समझे। काम काम
चाची, ओ चाची, क्या है? क्या चीजें लगा रखा है? अरे चीची कहाँ चाची, नदी किनारे जाकर देखो क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे वो जमींदार का भांजा जो अभी अभी शहर से आया है, घुड़सवार ठकाटक सारे गांव में चक्कर लगाता है, उसे देखकर खुशी के मारे तुम्हारी भतीजी ने तुम्हारे सारे बर्तन पटक दिए। क्या है? और बड़े प्यार से उसका हाथ थाम कर लचक कर क्या खुसुर कर रही है चुड़ैल को। इसीलिए तो कहता हूँ चाची, उमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैंने अपनी माँ को मना लिया है। अरे अपनी माँ को मना लिया है, मेरे घर के झाड़ू बर्तन कैसे तेरी माँ आके करेगी? आने दे डायन को, मजा चखाती हूँ। लेकिन चाची उसको मेरा नाम मत बोलना। अरे जा जा, मुझे क्या दिखाई सुनाई नहीं देता जो तेरा नाम लूंगी। अच्छा चाची आता हूँ चुड़ैल, दो बर्तन घिसने में सारा दिन खपा दिया। देखो तो कौन कौन सा बर्तन टूटे हैं मेरे? बर्तन क्यों टूटेंगे चाची? वो घोड़े पर सवार एक आदमी अचानक सामने से आ गया था, बर्तन हाथ से गिर पड़े। आए हरे नाजुक कली, बर्तन गिर गए। एक आदमी जैसे उसे जानती ही नहीं, तो बराबर देखती आ रही हूँ। जब से वो घुड़सवार गांव में आया है तेरे तो रंग ही बदल गए। अगर मेरे बर्तन टूट जाते तो तेरा कौन सा बाप भर के देता? चाची मुझे जितना कोसना है कोस लेना, मेरे माँ बाप का नाम क्यों लेती हो? बहुत लंबी हो गई है तेरी जबान। अरे मनहूस, माँ बाप को तो खा गई, अब हमारी छाती में बैठकर मूंग डलती है। पचई भरा नाक तो मुफ्त में ठूसती है, फिर ये लंबी नाक किस बात की? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ, और ये जो तुम्हारी लड़की भतीजी ने मेरे माँ बाप को गाली दी, अपने माँ बाप का नाम ले लेके कहती है कि हमने उनकी जमीन हड़प ली। हैं? ये भी कहा? और नहीं तो क्या, मैंने जरा प्यार से पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, तो कहती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी नहीं हूँ। उमा उमा क्यों रे, क्या कहा तूने चाची से? बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? देखा देखा, खाई ना मुँह पे थप्पड़। जो कुछ लक्षण देख रही हूँ, एक दिन हमारा मुँह काला करवाएगी ये कुलक्षण ही। अभी ठीक करता हूँ, आजकल तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। नहीं चाचा, मैंने ये सब नहीं बोला था। तेरी चाची झूठ बोल रही है, तेरी चाची झूठी है। महारानी जी आराम से पैर पे पैर रख के पलंग पे बैठी हैं। नदी से पानी कौन लाएगा? तेरा बाप। ये बात है, दरवाजा बंद करके ये नाटक हो रहा था। चल उठ उठ जल्दी जल्दी से पानी ले आ, देख जाना और आना वरना टांगे तोड़ दूंगे। चलो कमीने। ए तुम मुझसे इतनी डरती क्यों? मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, बहुत अफसोस होता है। तुम्हारे चाचा चाची के सलूक की वजह से तुम्हें कितने दुख उठाने पड़ते, दिन रात मार खाती रहती हो, पेट पर खाना भी नहीं मिलता, आखिर क्यों? और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे माँ बाप के मरते ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त उन्हें सीधा कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो चाची नाराज हो जाएगी। बस तुम्हारी इसी डर ने तुम्हें मजबूर कर रखा है। ओमा तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अगर चाहो तो बड़े आराम से इस तकलीफ से छुटकारा पा सकती है। चलोगी मेरे साथ? मेरे घर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें राजरानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं जानते हैं, मेरे चाचा चाची इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। क्यों? उन्हें बिन पैसे के नौकरानी कहाँ से मिलेगी? समझा, पर हमने उनकी परवाह करने की जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा।
मैं जाती हूँ। सुनो, अच्छी तरह से सोच कर देख लो अम्मा, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। समझती है हम अंधे हैं, सारे गांव वाले अंधे हैं। कमीनी, आज तुझे मैं नहीं मुंह मरने नहीं दूंगा। मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुमने तो मरने का फैसला कर ही लिया था मां, यूं समझो कि मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता हूं। चलो इसी वक्त। हाँ। उमा, उमा, मैं डॉक्टर से अभी मिलकर आया, उसने ये दवाई दी, इसे पीलो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लो। मैं नहीं पीऊंगी। मेरी जान, जब लड़की पहली बार मां बनने वाली होती है तो ना जाने से कितनी किस्म की दवाइयां पीनी पड़ती, और फिर डॉक्टर ने खास तौर से कहा कि ये दवाई तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं पीऊंगी ये दवा। मैं जानती हूँ तुम मेरे होने वाले बच्चे को मार डालना चाहते हो। कैसी बातें कर रही हो उमा तुम? कितने महीने गुजर गए, तुम हमेशा मुझे टालते रहे। तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की। क्या? मैंने तुमसे शादी नहीं की? मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरा क्या? शादी और क्या होती? तुमने कहा था शादी करके अपने घर ले जाओगे। जरूर ले जाऊंगा डैडी, लेकिन तुम तो जानती हो कि ये सब कुछ सुनकर मेरे डैडी मुझसे जरा से नाराज हो गए। अगर कहीं गुस्से में आकर उन्होंने मुझे जमीन जायदाद से दखल कर दिया तो हम कहां जाएंगे? और तुम ये भी तो जानती हो कि मां को तो मैंने मना ही लिया है। अरे हाँ, मां की तो आज चिट्ठी भी आई है। इसमें लिखा है, लिखा है, तेरे जगत, तुमने जो हमें लिखकर सब कुछ बता दिया है वो पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई। तुम चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बहू को बहुत बहुत खबरदार, बहुत बहुत प्यार। आने वाले बच्चे का ख्याल रखना, बहू की देखभाल करना, और वक्त पर डॉक्टर की सलाह लेकर बहू को दवाई वगैरह देते रहना। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी माँ। लो दवाई पी जा। अरे क्या सोच रही, तुम यू क्यों बोल रही हो मां? जो आने वाला है मैं उसका बाप। लो पी जा दवाई। तुम जाओ, जाकर आराम करो, मुझे जरा एक बहुत जरूरी काम है, मैं जाता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मर जाऊंगी काका, उसने मुझे जहर पिला दिया। मुनिया, शामी, चल बेटा, तुझे अस्पताल लिए चलता हूँ। आप लोग पढ़े लिखे आदमी, देश में नर्सिंग होम है, बड़े बड़े अस्पताल हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू ऑल द थिंग्स। अगर ऑपरेशन आधे घंटे लेट होता तो उस बेचारे की जान चली जाती। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो बिना वजह मुझसे नाराज हो रहे हैं। क्या बताऊं, मैं घर पे नहीं था और वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, न जाने किस जहल से दवाई लेकर पी गई। मैं उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगा। खैर, आपकी वाइफ की जान तो बच गई, लेकिन लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि आप वो जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकते। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा? हालांकि उमा खुद मां बनना नहीं चाहती थी, उसे मां बनने से एतराज था। खैर, जो होना तो वो तो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब, उमा की जान को तो कोई खतरा नहीं, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नहीं, शी इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। उमा,
आज तो तुम बिल्कुल अच्छी हो गई हो। डॉक्टर साहब कह रहे थे दो चार दिन में तुम जा सकती हो। ओमा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अचानक ही मैंने उसे देख लिया। चगन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारी मांग में सिंदूर है, तुम शायद चगन का नया शिकार हो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती उमा कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, तुम कैसे उसके जाल में फंस गई? आप उसे जानती हैं? मैं? खैर, जो कुछ तुमने खोना था वो तो तुमने खो ही दिया, अब तुमसे छिपाकर क्या फायदा? अब तुम जिंदगी भर मां नहीं बन सकती, मगर जैसी भी हो तुम अपनी जान बचा लो, किसी तरह से उसके जाल से निकलकर भाग जाओ। और फिर वो बेचारा भागकर बंबई आ गया और तुम्हारे अंकल को मिल गया। वो उसको अपना साथ अपना घर में ले आया, हम लोग उसको कुछ पढ़ाया लिखाया और हैप्पी होम में सेल्स गर्ल का नौकरी दिलाया। आंटी, मैं उमा को लेने आया था, जब आया तो उसे कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अनजाने में उसे बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और उसे कही कि उसका बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि अरू को उमा की सख्त जरूरत है, अगर वो एक बार आ जाए तो। आ जाएगी, कैसे नहीं आ जाएगा, जैसे ही वो इधर आता है मैं उसको उसी वक्त भिजवाएगा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, अरू घर में अकेला है। चलो चलो, मैं भी चलती है, चलो। अरे उमा आ गई तो, मम्मी ने तुझे दो तीन बार पूछा है, आते ही मिलने के लिए कहा है। मम्मी। अरे उमा, मरे रे, तुम किधर होता आखा दिन, सुना आज काम पर नहीं गया? मम्मी वो मालूम आज तुमको कौन मिलने को आया था? अरु आया था? नहीं, अरु का डैडी आया था। क्यों, मुझे उनसे क्या लेना देना है? अरे अरु से तो लेना देना है, उसी के वास्ते उसका डैडी तुमको लेने को आया था, और फिर तुम्हें तो बोला था कि अरु ने तुम्हारे अंदर एक मम्मी पाया है। उसका डैडी जो तुमको बोला था ना, उसके वास्ते वो बहुत सॉरी है। कुछ भी हो मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम समझता काहे को नहीं है, अरु बहुत बीमार है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई डॉक्टर को बुला ले, किसी नर्स को रख ले, मेरी क्या जरूरत है? जरूरत है, डॉक्टर बोलता है अरु को इस वक्त तुम्हारा ज्यादा जरूरत है, बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा मर्जी। हाँ एक बात जरूर बोलेगा, अगर अजितेश को मालूम होता कि तुम अपना घर का लड़की है तो ऐसा बात तुमसे कभी नहीं करता। पछी एक बात और पन याद रखो, अजितेश का घर का लिए अपना घर का एवरी लड़की का कुछ ड्यूटी बनता है, फर्ज बनता है, बस। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है, आई एम रियली वेरी अपसेट, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, फौरन आ जाइए, थैंक यू वेरी मच। देखो अजितेश, मेरे ख्याल में तुम एक बार फिर वहां जाओ और खुद उसे लेके आओ। हाँ अजीत बाबा, तुम एक बार फिर जाओ, आखिर हमारे अरु का सवाल है। मैं आंटी को सब कुछ समझा कर आया हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो आए, मालूम नहीं भगवान को क्या मंजूर। अरे बेटा देखो तुम्हारी मम्मी आ गई, देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। मम्मी तुम आ गई? हाँ बेटा। अजितेश, मेरा ख्याल है अब यहां हमारी जरूरत नहीं, चलो नीचे चल के बैठते हैं। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं इसके लिए थोड़ा दूध लाऊं। हाँ अच्छा, इतना रिसेम्बलेंस, मैं तो हैरान हो गया। डॉक्टर साहब आ गए, आइए डॉक्टर साहब। हेलो, अरु कैसे हैं? मेरे ख्याल में अब ठीक ही होगा डॉक्टर, आपके प्रिस्क्रिप्शन की खास दवा अभी अभी आई है। सिर्फ डॉक्टर साहब एक बार अरु को देख लीजिए। ओह श्योर। हरी काका, डॉक्टर साहब को ऊपर ले जाओ। आइए डॉक्टर साहब, लाइए मुझे दीजिए, आइए। बेटी, डॉक्टर साहब आ गए।
बुखार तो थोड़ा है। डॉक्टर साहब, अरु ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, जरूर ठीक हो जाएगा। आप तो जल्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि अरु की मम्मी जो आ गई। आप तो थोड़ा आराम कर लो। नहीं हरिका का, मैं ठीक हूँ। शाबाश। अरे वाह, अरु बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बुखार तो बिल्कुल नहीं है। आइए डॉक्टर साहब, चलिए। मम्मी, तुम हमेशा हमारे पास रहोगी ना? हाँ बेटे। अरु सो गया, तुम्हारा खाना ले आओ बेटी। अरु के डैडी कहाँ हैं? वो नीचे बैठे हुए हैं। तो चलिए आज नीचे जाकर खाना। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खाना मैं लेकर आता हूँ। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या बताऊँ बेटी, क्या था क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। दिखना चाहती हो? आओ मेरे साथ। अरु जब तक जागता रहता है उसके सामने हंसी मजाक का नाटक करता है, फिर रात भर यही चलता है। कभी खाता है, कभी ऐसे ही भूखा सो जाता है। आपने कभी नहीं रोका? अरे मेरी कोई सुने तब ना। बेटी मेरी एक बात मानोगी? तुम ही एक बार उसे समझा कर देखो ना। मैं? मेरी बात वो क्यों सुनने लगेंगे? फिर भी एक बार कोशिश करो बेटी। अजितेश बाबू। आप? हरिका ने आपका खाना पहुंचा दिया ऊपर? मैंने उन्हें मना कर दिया, सोचा आज नीचे आकर सबके साथ खा लूं। इस घर में अरु के अलावा आपका साथ देने वाला तो मैं ही हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं अक्सर रात को खाना नहीं खाता। कोई बात नहीं, कम से कम आज मेहमान की खातिर ही सही। समझ गया, जरूर हरि काका ने आपको उकसाया होगा। अजितेश बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, दुख सुख तो इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं, मगर आप इतने कमजोर इंसान नहीं हैं कि दुख बर्दाश्त करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़े। अरु सो गया क्या? जी हाँ। आप भी खाना खाकर आराम कीजिए, आप कई दिनों से सोई नहीं। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि आपको ये ऋण किस तरह चुका सकूंगा। मेरे पास काफी दौलत है और मैं ये भी जानता हूँ दौलत से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ का प्यार नहीं। पर अरु ने कितनी आसानी से आपको खरीद लिया है। आप सब कुछ कह रहे हैं लेकिन मेरी असली बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। ऋण चुकाने के लिए इतने परेशान हैं आप, तो कम से कम मेहमान समझकर खाने में ही साथ दे दीजिए। अरु तो अरु, किसी को भी जीत लेने की शक्ति है आप में। क्यों नहीं, सेल्फ गर्ल जो हूँ ना। अच्छा याद दिलाया, उस दिन गलत फहमी में बहुत कुछ कह गया आपको, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक शर्त पर। कैसी शर्त? वही, खाना मेरे साथ। हरि काका। हाँ बेटा। हमारे लिए खाना लगाओ। अभी लगाता। चलिए खाना खाते हैं। लगता है अरु उमा को पाकर जैसे हमें तो भूल ही गया। क्यों नहीं, एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही तो सब कुछ होती है, हमें तो उस लड़की का एहसान मानना चाहिए। भूल गए किस तरह से हमें दिन गुजारने पड़ते थे? वो तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा वो तो सोचना पड़ता है। आगे की बात भगवान के हाथ पर छोड़ दो। क्यों, तुम्हारे भगवान ने पहले हमें बहुत कुछ दिया है ना? वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोच लिया इस बार छुट्टियों में उमा बिटिया तुम्हारे साथ जाएगी। क्या? हाँ। हरि काका, लगता है तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो। ये फैसला बूढ़े का नहीं है, ये तो हमारे अरु बाबा का है।
वो तो माँ पर हुक्म भी चला चुका है। फिर तो इस बार जाना ही मुश्किल हो जाएगा। सारी मुश्किलों का हल मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कल दोपहर को रुस्तम भाभी से मिलूंगा, उनसे कहकर उमा बिटिया को राजी करा लूंगा। मगर हरी काका, मुझे नींद आ रही है। ला हरी काका। आया बेटी। अरुस हो गया, तुम्हारे बाबूजी अभी तक आए नहीं, मैं घर जाती हूँ। इतनी रात हो गई, खाना खाकर ही जाती? नहीं काका, कल जा रही हूँ, आज अपनी सहेलियों के साथ खाऊंगी और फिर तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा ठीक है बेटी। बेटी एक बात कहनी थी। कहो काका। गलती से भी बहुरानी का जिक्र ना होने पाए। नहीं काका। मम्मी! चलो आओ। मम्मी बोटिंग करनी है। बोटिंग करनी? चलो ना। हाँ ना मम्मी, चलो। हाँ ना मम्मी, प्लीज। संभाल के चलो। मैम साहब, सलाम। मैम साहब, आप तो बहुत दिन के बाद आया। मैम साहब आइए आइए। तुम मुझे पहचानते हो? पहचानूंगा क्यों नहीं, जब आपकी नई नई शादी हुई थी ना, तो आप और साहब मेरे ही बोट में तो सैर करने गए थे और साहब ने खुश होकर मुझे 100 रुपए बख्शीश भी दिया था। क्यों साहब? नमस्ते। आइए। तुम लोग घूम करो, मैं यहाँ सामने बाग में हूँ। चलो आओ। आओ आओ आओ। ओहो, कितने बड़े हो गए हो बेटे। अबे जा जा, पॉकेट में पॉट में चढ़ने आया है। अपनी माँ से पैसे लेकर आ। मेरी माँ तो नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तो मैं क्या करूँ? ए बोट वाले। हाँ मैम साहब। इधर आओ, ये लो पैसे। हाँ। और बच्चे को बोट में बिठा। मैम साहब चल बे, चल। आइए मैम साहब, आइए। बोटिंग? हाँ। तुम्हें मालूम है? क्या? एक बच्चा बोटिंग के लिए रो रहा था, तो बोट वाले ने कहा जा तेरी मम्मी से पैसे लिया, तो उसने कहा मेरी माँ नहीं है, तो मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। बेटे तुम्हारी मम्मी की तो बात ही कुछ और है। पर डैडी उसकी माँ कहाँ चली गई? बेटे सब बच्चे तेरे जैसे खुशकिस्मत थोड़ी है कि सबको तेरी मम्मी जैसी माँ मिल जाए। अरे वो देखो घोड़ा, चलो घोड़े पर बैठते हैं। हाँ घोड़े वाले। किसी को फूल मिले, किसी को धूप।
शर्मिंदा हूँ, उस बोट मैंने अनजाने में तुम्हारा अपमान कर दिया। अपमान? अजितेश बाबू, मेरा मान ही क्या है, बल्कि अपमान तो आपका हुआ है। मुझ जैसी गिरी हुई लड़की को इतना ऊंचा दर्जा देकर उसने तो आपको छोटा कर दिया। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। नहीं उमा, मैं अरु को हर साल यहाँ लाता हूँ, लेकिन इस साल जो खुशी से मिली है, माँ की ममता मिली है, इसका ऋण तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मगर अजितेश बाबू, अरु की क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं यही पूछना चाहती थी कि हम बॉम्बे कब जा रहे हैं। बॉम्बे तुम कहो तो कल चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। हुआ भाई तुम, ये उमा मुन्ने की माँ। उमा, ये मेरी बुआ है। जीती रहो। क्यों रे चबड़गंज, तू क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? मुझे पहचाना नहीं? नहीं दादी, ये कौन है? ये मेरी बुआ है और तुम्हारी दादी। दादी? दादी। अजितेश बाबू, मेरे ख्याल में हाँ हाँ ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हरी काका, उमा का सामान गाड़ी में रख दो। अच्छा, अच्छा बुआ जी, अच्छा बेटी, भाभी से कहना कल सुबह मैं उनसे मिलने आऊंगी। भाभी? हमारी आंटी के बारे में कह रही हैं, तुम लोगों की मम्मी। अच्छा, मैं कह दूंगी। दादा मम्मी, टाटा बेटा। दादा मम्मी, टाटा। वो इतने दिनों के बाद हमारी याद आई, मैंने तो सोचा था तुम हमको बिल्कुल भूल गई। हाँ, और यही सोचकर तू इतने दिनों तक मनमानी करता रहा। मनमानी? और नहीं तो क्या, ये तो शुक्र है भगवान का जो उसने उमा को वक्त पे पहुँचा दिया। खैर छोड़, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मुझे बहुत जरूरी बातें करनी है। सब कुछ सोच कर यहाँ आई हूँ, और जो मैंने सोचा है उसे पूरा करके ही रहूंगी। कुछ तय करने से पहले मुझे सोचने का मौका तो दो। 5 साल तक तूने बहुत सोचा, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हरिया ने सब कुछ मुझे बताया है, सुनकर थोड़ी सी झिझक तो मुझे भी हुई, लेकिन फिर भैया की बात याद आ गई। भैया का सपना था कि वो अपना घर की किसी लड़की को बहू बनाकर लाएंगे। भाभी की इच्छा को तो हम लोगों ने आजमा के देख लिया, अब भैया के सपने को मैं पूरा करूंगी। कुछ तय करने से पहले हम लोगों को? हम लोगों से पहले मुन्ना खुद सब कुछ तय कर चुका है। वो उमा को माँ बनाकर इस घर में लाया है, लगता है ईश्वर की भी यही इच्छा है। लेकिन बुआ, लेकिन मैं कुछ सुना नहीं चाहती। ये शादी होगी और होकर ही रहेगी। हरिओम अजितेश, आओ आओ। आज हमारा ध्यान कैसे आ गया? तुम्हारी बुआ तो कह रही थी तुम्हारे पिताजी की तरह साधु संतों में तुम्हारा भी विश्वास कम है। महाराज, कुछ ऐसे ही संकट में आ गया हूँ। हरिओम, तुम लोग जरा उधर बैठो। जी महाराज। अजितेश, संकट में डालना, संकट से निकालना, सब उसके हाथ में।
हमारे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारा जन्म कर्म के लिए हुआ है, कर्म करते जाओ। परंतु आज तुम्हारे सामने जो परिस्थिति है, तुम्हारे अपने सुख के लिए न सही, तुम्हारी संतान के कारण तुम्हारा उस लड़की से विवाह कर लेना ही अच्छा होगा। नहीं नहीं अजितेश बाबू, ये नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये फैसला तो बुआ का है और आंटी भी यही चाहती हैं। लेकिन आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा भी कोई अतीत है। तुम्हारा वर्तमान ही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ माँ, अरु तुम्हें इस घर में माँ बनाकर लाया है और सब लोग तुम्हें इसी रूप में देखना चाहते हैं। मगर अजितेश बाबू, मैं भी यही चाहता हूँ। जानते हो जो कुछ भी तय होने जा रहा है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मेरे डैडी की आत्मा को होगी। हेलो माँ। तुम क्यों, मुझे देखकर हैरान हो गई? यकीन मानो उमा, जब से तुम गई हो मैं तुम्हें पागलों की तरह सारी दुनिया में ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आज मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी गाड़ी में एक बच्चे के साथ इस घर में जाते हुए देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। कैसी बातें कर रही हो उमा, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी जी, आज कुछ परेशान लग रही हो? तेरी तो सुनती नहीं है क्या, भाव खाती है? बेटे के बाप से झगड़ा करके आई क्या? हा? मुझे तंग मत करो रीना। अरे क्या तंग मत करो, पता ना क्या हुआ यार। हा? लगता है मेरी किस्मत में खुशी नहीं लिखी है, कुछ समझ में नहीं आता। अरु के प्यार का जो सहारा मिला है लगता है वो भी खो जाएगा। क्या बात है उमा? रीना, वो शैतान फिर मेरे रास्ते के बीच में आके खड़ा हो गया। क्या? मैं अरु के घर से बाहर निकल रही थी कि चप्पल लेके पाँव में दो करके झाड़ देती, उसके अकल ठिकाने आ जाती साले की। मजाक मत कर रीना, मेरा सब कुछ लूट कर, सब कुछ बर्बाद करके भी उसे राहत नहीं मिली। उमा दीदी, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं, बाहर गेट के पास खड़े हैं। रीना, ये जरूर वही होगा। चल तो देखना, कैसी क्या है देखना। रीना, ये तो वही है, यहाँ तक पहुँच गया, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, इतनी तकलीफ उठाकर बेचारा यहाँ तक पहुँचा है, बुला ही लेते हैं। अरे क्या बात करती है, पागल हो गई है क्या? तू फिकर मत कर, तू जाके बाथरूम में मुंह दो। अरे जा। अरे जा ना। साले। अरे भाई ये तो बताओ, तुम्हारी उमा दीदी ने कहा क्या? कुछ नहीं है। हाय। हाय। आप? मैं आपका स्वागत करने आई हूँ जीजा जी। जीजा जी? हाँ, उमा मेरी बहन है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। चलिए जीजा जी, चलिए। मगर ये तो कह रहा था कि। अरे चलता है। अरे नहीं रीना दीदी, आपको मालूम नहीं आदमी लोगों को अंदर जाना मना है? ओ घन चक्कर, ये तुझे आदमी दिखाई देता है? ये तो जीजा जी है ना जीजा जी। चल भाई, चलिए जीजा जी। हाँ जीजा जी, इतने झिझकते क्यों हो, देखते नहीं अपना घर है, चलिए। हे मेरी फातिमा लक्ष्मी, आना जी, देखो कौन आया। कौन है? जीजा जी। अयो कोई सी ब्रदर इन लॉ। हे दुर्गा, पार्वती, शिवानी,
खैर मैं बाहर इंतजार करता हूँ। बाहर की क्या बात कर रहे हैं जीजा जी, आपको तो अभी और अंदर जाना है। तू क्या बैठी है, उठ, जीजा जी के लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त कर। और सुनो, जाते जाते तीनों दरवाजे बंद करके जाना। हाँ बुद्धि है ना बुद्धि, चलो। अरे जीजा जी। ये क्या? जीजा जी आप तो बहुत डरपोक है। क्या करें, जीजा जी की थोड़ी चमचागिरी तो करनी पड़ती है ना। क्या जीजा जी, आप तो बार बार लुढ़कते रहते हैं, जरा देख के प्यार से चलिए। बैठिए इस पे, नहीं कुर्सी पे आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या कर रहे जीजा जी, मैं साफ कर रही थी, सॉरी सॉरी, बैठिए बैठिए। ए दुर्गा भैया, ए अरे कब का चाय का बोला, क्या करते रहे? हे रीना, क्या है आखिर, तू करना क्या चाहती है? ए भाई तुम कौन है, देखो अभी हमको डिस्टर्ब मत करो, हमारा जीजा है, हम बहुत बिजी है, तुम जाओ लपक रहो। ए उमा जल्दी करना, अरे अपने जीजा जी इंतजार कर रहे हैं जी, चलो भी जल्दी करो। मेरे जीजा का खोपड़ा बिगाड़ दिया, कितना खूबसूरत था। अरे जन्म चलियो, दरवाजा बंद करो, मम्मी आ जाएगी। अब क्या करूँ जीजा जी को, क्या ए उमा जीजा जी के कपड़े खराब हो गए, मैं तेरी साड़ी दे देती हूँ। लो जीजा जी पहन लो इसे, जल्दी से पहन लो। नहीं। क्या बात कर रहे जीजा जी, आपको रात भर यही रहना है? नहीं नहीं। उमा दीदी को पास आएगी, जल्दी अरे पास, अरे दरवाजा खोलो ना दीदी, अरे मैं बोलती तुम लोग क्या दही करते हो? दही दही चाची, चाची कौन नहीं चाची? ओ आई सी, मेरे को देखने दे उन्हें। चाची रीना, तुम्हारी चाची तो बहुत लंबी है। हाँ, क्योंकि मम्मी हमारा चाचा था ना, वो टिंगना था। ओ आई सी, जरा मेरे को भी देखने दे उन्हें। अरे चलो घूमो नी, शर्माती है चाची। अरे घूम जाओ भाई, अरे घूमो नी भाई। अरे मम्मी इस लल्लू के लिए पुलिस का क्या जरूरत है, आशीर्वाद दो, तमेरी इतनी बेटियां इतनी काफी है, है? तो मुझे वेट टाइप करता है, चालू हो जाओ, तो फिर चालू हो जाओ। मम्मी ये जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा किया या बुरा ये तुम्हें नहीं जानता, हाँ ये मैंने ये समझ कर ही किया है कि अरु को बेटे और उमा को माँ का अधिकार मिल जाएगा, और फिर तुम सब भी तो यही चाहते। भेज दो अंदर, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। कहिए। जी वो मैं आप ही से मिलने आया था। देखिए हम एक बिजनेसमैन हैं, हमसे आपको क्या काम हो सकता है? सौदा जो करने आया हूँ। सुना है आपकी शादी हो रही है? जी हाँ शादी तो हो रही है, लेकिन अगर आप कोई रिश्ता लेकर आए हैं तो हमें सख्त अफसोस है, क्योंकि हमने लड़की तय कर ली है। जी वो भी मैं जानता हूँ, मगर मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप एक इज्जतदार आदमी हैं। मिस्टर चगन, जो बकवास आप यहाँ करने के लिए आए हैं उसके लिए हम बहुत वक्त दे चुके हैं, आप जा सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तुम कौन हो और क्या चीज हो। अगर उमा से निराश होकर मेरे पास आए हो कि चंद सिक्के मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा तो भूल जाइए, तुम्हें अब हम अच्छी तरह जानते हैं। चलो मान लिया कि उमा के बारे में आप सब कुछ जानते हैं,
लेकिन क्या उमा आपकी बीवी के बारे में सब कुछ जानती है? आप अपने मासूम बच्चे को धोखा दे रहे हैं। आपका बच्चा उमा को माँ समझकर अपने घर ले आया, लेकिन क्या वो बच्चा जानता है कि उसकी माँ कौन है? कमीने, जलील, बर्दाश्त की हद होती है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। ऑपरेटर, पुट मी टू द पुलिस स्टेशन। प्लीज, फॉरन। प्लीज, प्लीज। मैंने मतलब, I'm sorry, आप मुझे माफ। This is the last warning to you. ये मत भूलो, मुझे तुम्हारी किसी हरकत का इल्म नहीं। एक बात सुन लो, आइंदा हमारे दरमियान आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा और उमा तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। आउट। सारा अदालत की धमकी दे रहा था। कोई बात नहीं जितेश, मैं अभी मौके का इंतजार करूंगा। एक बार मुझे मालूम हो जाए कि तेरी बीवी कहाँ है। ये देखिए माँ जी। हरिया आया। अरे ओ हरिया, क्या है दीदी? बुला ना उमा को, क्या कर रही है? अभी बुलाता हूँ। ये भी देखिए, आप लोगों के पास इतनी सारी, आप कहें तो और मंगवा लेता हूँ माँ जी। मंगवा लीजिए। और क्या है बुआ जी, किचन में क्या कर रही है? इसमें से पसंद कर ले क्या क्या रखना है। बुआ जी ये सब क्या कर रही हैं? क्यों अचानक अब ये सब पहनकर मैं अरु के सामने जाऊंगी तो वो घबरा जाएगा और सोचेगा कि मम्मी को क्या हो गया। बस बस, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, चल चल इसे देख ले। आ लगता है अरु की डैडी आ गए। बहन जी ये सारी लीजिए, देखिए अभी तक तो मार्केट में आई भी नहीं, इसका डिजाइन देखिए। अच्छा हुआ तू आ गया, उमा के लिए तू ही गहने और साड़ियां पसंद कर ले। अब इसकी जरूरत नहीं है बुआ। क्या मतलब? ये शादी नहीं हो सकती। अजितेश, अजितेश क्या वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद न थी? हाँ बुआ, बिना भैया का फोन आया है, मुझे बुलाया है, वहीं जा रहा हूं मैं। मैं हमेशा कहती थी ये शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं उमा, तुम्हारे बारे में जो कुछ जानना था मुझे भी मालूम है, लेकिन आज हमारे बारे में तुम्हें जो कुछ जानना है वो भी सुन लो। ये सब उठा लीजिए, अब इन चीजों की जरूरत नहीं। अब उमा, हमारे घर के नसीब में शायद खुशियां लिखी ही नहीं, बड़ी धूमधाम से भैया ने मेरी शादी की थी, लेकिन 2 साल के बाद ही मेरा सुहाग उजड़ गया। भैया मुझे अपने साथ ले आए, कुछ साल तो अच्छी तरह गुजरे, लेकिन जब अजितेश 9 साल का था तो हमारी भाभी हमें छोड़कर चल बसी। भाभी के सदमे को भुलाने के लिए भैया ने अपने आप को दिन रात बिजनेस में लगा लिया। मैंने और हरिया ने मिलकर अजितेश को बड़ा किया और अजितेश भी हमारा ऐसा होनहार बेटा निकला जिसने हमारी खुशियों के लिए कभी अपनी खुशी की भी परवाह नहीं की। एक दिन भैया को अचानक दिल का दौरा पड़ा
और अजितेश ने भैया की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। भैया की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां फिर लौट आई। मेरे भैया को सिगार पीने की बड़ी आदत थी, डॉक्टर उन्होंने सिगार पीने से मना कर दिया, लेकिन वो किसकी सुनते थे कि हरिया भी उनके साथ था। हरिया, अरे ओ हरिया। जी बाबूजी। तुम्हारा नाम हरिया है? नहीं, शंभू। शंभू, चल जा। ए, दीदी जी कहाँ है? ऊपर पूजा। कैसा बोल? ऊपर पूजा घर में। तू सीढ़ी पे जाके खड़ा रहे। ए, चला किधर? सीढ़ी पे जाके क्या करेगा? जी क्या करूंगा? जैसे दीदी बाहर निकलेगी तो खांस देना। अच्छा, कैसे खांसोगे? आइए। कहाँ मर गए थे? मर कहाँ गया था, डाकिया आया था, चिट्ठी लेने गया था। कहाँ है ये? लो ये। नहीं, हाँ वो कहाँ है? वो ये क्या? चुपचाप खड़े रहो। अच्छा, माचिस निकाल। लेकिन डॉक्टर ने मना किया था। तुझे पगार कौन देता है? डॉक्टर देता है कि मैं देता हूँ? तुम देते हो, इसीलिए तो तुम्हारी फिक्र करता हूँ, नहीं तो क्या डॉक्टर की फिक्र नहीं करता? चल चल चल। अगर दीदी को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देगी। और अगर तू मुझसे गड़बड़ करेगा तो क्या मैं नहीं निकालूंगा तुझे? चल डॉक्टर का ये लो। निवारण शर्मा। ये निवारण शर्मा कौन है यार? निवारण शर्मा बाबूजी, वो हम लोग पुणे में थे। हाँ? निवारण बाबू, निवारण बाबू अपने पड़ोसी थे। अच्छा 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 अच्छा। खोल खोल खोल। हरिया। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? हाँ ये निवारण शर्मा। अरे क्या ये निवारण शर्मा? हाँ ये निवारण शर्मा। हंसना नहीं कम वक्त। और ये क्या? ये क्या? हाँ खुद ही देख लो, जमाना बदल गया है। आजकल तो नौकर चाकर भी मालिक के सामने सिगरेट भी फूंकने लगे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब खास करके मालिक खुद नौकर के मुंह में थूसते हैं। वो देखते हैं वो निवारण शर्मा क्या लिखते हैं। मिस्टर निवारण शर्मा, माननीय भूपेश बाबू, इतने दिनों बाद अचानक मेरा पत्र पाकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। आपको याद होगा कि आपकी धर्म पत्नी और मेरी पत्नी एक दूसरे की सहेलियां थीं। जब मेरी छोटी बेटी माया का जन्म हुआ था तब आपकी धर्मपत्नी ने कहा था कि वो माया को अपने घर की बहू बनाएंगी। मुझे खबर मिली है कि आपका बेटा अजितेश एक बहुत होनहार और काबिल लड़का है और आप उसकी शादी के बारे में भी विचार कर रहे हैं। अब मेरी बेटी माया भी सयानी हो चुकी है। मैं उसका बाप हूँ इसलिए ये नहीं लिख रहा हूँ। उसका रंग थोड़ा सा सांवला जरूर है पर रूप और गुण में वो लक्ष्मी जैसी है। माया का फोटो भी इस चिट्ठी के साथ भेज रहा हूँ। अरे वाह, फोटो भी है। वाह, बहुत ही खूबसूरत लड़की है ना? देखो देखो। हाँ तो फोटो भेज रहा हूँ। हालांकि हैसियत और दौलत में मैं आपके बराबर नहीं हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद माया पर हो तो दोनों सहेलियों का वचन भी पूरा हो सकता है और अपनी कन्या का दान आप जैसे दानी और दयालु पुरुष के चरणों में कर मैं भी एक गहरी चिंता से मुक्त हो सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक बार माया को देख लें। पत्र का उत्तर मिलने का इंतजार करूंगा। सादर आपका निवारण शर्मा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, हम उसी के बारे में सोच रहे थे ना। लेकिन भैया, निवारण बाबू की हालत इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है इसमें कोई उनकी चाल हो। नहीं नहीं नीरू, बहुत दिनों की बात है इसलिए मैं भी भूल गया था, लेकिन तुम्हारी भाभी मरते समय ये सब मुझे कह गई थी। लेकिन भैया उन्होंने खुद लिखा है कि लड़की काली है।
काली नहीं है, सांवली है। फिर भी भैया वो, देखो भाई हमें परेशान होने की क्या बात है, जिसका ज्यादती मामला है उसी के ऊपर फैसला छोड़ देते हैं, हैं? वो अभी आता ही होगा, वो देखो आ गया। आ गए छोटे बाबू, ये लो हरी काका। ला, ला, चले। कैसी है तबीयत आपकी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, A1। हाँ हाँ बहुत अच्छी है, इसलिए तो आराम से बैठकर सिगार फूंक रहे थे। सिगार? डैडी जब डॉक्टर ने मना किया तो क्यों पीते हैं सिगार? डांटो मत, डांटो मत, डांटो मत। 12 बरस की उम्र में तुम जब सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे तो मैंने तुम्हें डांटा था? जी नहीं, मारा था। ये जन्नाटेदार हाथ मारा था तो इस कमबख्त को एक लाफा मारो, इसने मुझे जबरदस्ती सिगार पिलाया। मैंने जबरदस्ती पिलाया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, झूठ तो मैं बोल रहा हूँ। निकल जा, निकल जाना मगर। हम डैडी सिगार अच्छा नहीं लगता इस सब। ये क्या अपना घर का एग्रीमेंट? वेल डन माय बॉय। रुस्तम जी के इतने बड़े सपने को साकार करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उसने जिंदगी में जो कुछ कमाया सब कुछ उसी में लगा दिया। कम से कम 300-400 रुपए महीने का किराया तो बच जाएगा। अरे रुस्तम अंकल तो दिल्ली गए, अगर आप कहें तो आंटी को ले आता हूँ, अपने हाथ से ही एग्रीमेंट उन्हें दे दीजिए। अरे नहीं, वो अभी यहाँ आ रही है, उनका फोन आया। आ रही है, लेकिन उससे पहले तुमसे एक जरा जरूरी बात करनी है। कहिए। आर यू इन लव विथ एनी गर्ल? व्हाट? अगर नहीं तो तुमसे एक अर्ज है। अर्ज क्या डैडी, हुक्म कीजिए आप। तुम्हें निवारण शर्मा याद हैं, जो पुणे में हमारे पड़ोसी थे? हाँ डैडी, उस वक्त मैं छोटा था ना। उनकी बीवी और तुम्हारी माँ एक दूसरे की सहेलियां थी, और उन दोनों के बीच एक फैसला हुआ था। तुम्हारी माँ ने उन्हें वचन दिया था कि निवारण बाबू की लड़की को वो इस घर की बहू बनाकर लाएगी। अभी निवारण बाबू की चिट्ठी मिली है, और मेरी इच्छा है कि तुम एक बार उसे जाकर देख लो और अपना फैसला हमें सुना दो। तेरी माँ ने जिसे जीते जी स्वीकार कर लिया, उसे देखने की क्या जरूरत है? पर कम से कम एक बार फोटो तो देख ले। हाँ। बुआ मैं बहुत थक गया हूँ, तुम लोगों ने देखकर फैसला कर लिया तो मुझे मंजूर है। थैंक यू। हाँ गुड इवनिंग भाई साहब। अरे आओ भाभी, बहुत अच्छे मौके पे आ गई, बहुत मजा में। आओ भाभी आओ, तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। हाँ और नहीं तो क्या, आओ बैठो। बोलो नी, बोलो नी। रुस्तम हमेशा कहता रहता है ना कि अपना घर अगर अपना होता तो कितना अच्छा होता। अरे रुस्तम तो ऑलवेज बड़ा बड़ा सपना देखता रहता है, मैं तो उसको हमेशा बोलती है कि अगर भाई साहब नहीं होता तो अपना घर ही नहीं होता। अरे ऐसा क्यों सोच रही हो भाभी, रुस्तम का सपना सच करने के लिए अगर सबसे ज्यादा मदद किसी ने की है तो वो तुमने। अरे नहीं रे। क्यों नहीं रु, सच है ना? और नहीं तो क्या? हमारे देश में कितनी बेबस लड़कियों की जिंदगी किस किस तरह से बर्बाद हो जाती है, और फिर हालात की मजबूरियाँ न जाने उन्हें कहाँ कहाँ तक पहुँचा देती है। उन्हीं लोगों को लेकर एक सपना देखना, उन्हें अपना घर देना, उन्हें माँ बाप का प्यार देकर एक नई जिंदगी देना, ये आजकल के जमाने में कौन सोच सकता है। सुन लिया, तुम दोनों जो मान काम कर रहे हो उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। वही अपना घर सचमुच अपना हो गया, हमने उसे खरीद लिया। What? खरीद लिया? पर भाई साहब इसका तो बहुत पैसा लगा होगा। अरे मैंने किया ही क्या है, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अपना घर की किसी लड़की को अपने घर की बहू बनाता। What are you talking? डर गई ना, यही तो मुश्किल है भाभी। बड़े आदर्श भरे लेक्चर हम दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन जब खुद अमल करने का सवाल आता है तो आराम से कतरा जाते हैं। लेकिन तुम डरो मत भाभी, अजीत की माँ ने ये रास्ता पहले से ही बंद कर दिया है। बहुत जल्दी अजीत की शादी होने वाली है। रियली? हाउ नाइस। चलो पढ़ो पढ़ो, चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी पर ये देखो फोटो। फोटो? अरे तो बहुत सरस है, माय गॉड, आज तो आप एक साथ इतना गुड न्यूज देता है, मैं तो अब भी रुस्तम को कॉल करेगी। अरे रोको रोको नहीं। अरे भाई अरे भाभी, ये घोड़ा गाड़ी कहाँ से पकड़ लाई? क्या करेगा, टैक्सी मिलता है? अच्छा तुम अकेली हो, रुस्तम कहाँ है? वो तो दिल्ली का अंदर बैठा है, तुम्हारे वास्ते टेलीग्राम भेजा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। Thank you.
अंकल नहीं आए? अरे वो लॉर्ड साहब दिल्ली में बैठे हैं। आंटी अंकल से मैं कभी बात नहीं करूंगा। तुम्हारा आपस का मामला है, मेरे पुत्र को गुस्सा करता है। आई लवली ओ माय बहुत तो बहुत ब्यूटीफुल छे बहू, ये अपनी रुस्तम आंटी है, इन्हें नमस्ते करो। जीता रहो दूसरे लॉर्ड साहब आ रहे हैं। अंकल जिन्हें मेजबान होना चाहिए वो मेहमान बनकर आ रहे हैं। आइए भाई। आई एम सॉरी अंकल, आज खुशी के दिन तो मत डाकिए मुझको। बहुत मुबारक। और ये हमारी बहू। मैं चलता हूँ जितेश। क्यों? मुझे काम है जरूरी। विनय भैया अभी तुम आया, अभी जा रहे हो। जितेश मैं मिलूंगा फिर। क्या मिलूंगा? क्या विनय, क्या बात है विनय, और देर से आए और जल्दी जा रहे हो? नहीं अंकल, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। बात यह कि मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे भी तुमसे जरा जरूरी बातें करनी है। जी चलो जरा घर तक चलते हैं। चलो भैया। अंकल ये अचानक आपको क्या हो गया? विनय मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। जी पूछिए। आज तक तुमने शादी क्यों नहीं की? अंकल सिर्फ ये बात पूछने के लिए आपने मुझे वहां से यहां बुलाया? हंसी मजाक में बात टालने की कोशिश मत करो विनय, और किसी की निगाहों से शायद छुपा रहा हो, लेकिन मैं जब तुम्हें बहू से इंट्रोड्यूस करवा रहा था तब तुम चौंके थे, बहू भी चौंकी थी, और इसका मतलब यह है कि तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। अंकल अब मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि तुम उसे कैसे और कितना जानते हो। देखिए अंकल, इस खुशी के मौके पर यह सब आप। आई मस्ट नो एवरीथिंग विनय। अब वो इस घर की बहू है, अजितेश की बीवी है, और घर का बड़ा होने के नाते उसके बारे में सब कुछ जानना मेरा हक है। अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है बताओ ना। अंकल अजितेश की शादी करने से पहले आपको लड़की के बारे में पूरी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। किस बात की? बात यह है माया मेरी पेशेंट रह चुकी है। क्या? जी हाँ, जब माया 10-11 साल की थी तो अचानक उसके दिमाग की हालत बिगड़ गई थी। उसके फादर इलाज के लिए उसे मेरे पास लाए थे। कुछ दिनों वो मेंटल हॉस्पिटल में रही, बरसों इलाज चलता रहा, लेकिन अंकल पिछले 2-3 साल से मुझे भी नहीं पता कि मतलब वो लड़की पागल है। अंकल देखिए इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हो सकता है इस बीच वो ठीक हो गई हो और मैं जो हूं। तुम जा सकते हो विनय। अंकल आप इस तरह फंक्शन छोड़ के चले आए, लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। आइए मैं ठीक हूं, तुम जाओ। आइए ना अंकल प्लीज। भैया तुम इस तरह रिसेप्शन से उठकर चले आए, मैं तो घबरा गई थी, कहीं तुम्हारी तबीयत। क्या बात है भैया? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है नीरू, एक मरी हुई आत्मा को खुश करने के लिए मैंने एक जिंदा आत्मा का खून कर दिया है। ये सब तुम क्या कह रहे हो भैया? तुम्हारी भाभी का वचन पूरा करने के लिए मैंने अजितेश की जिंदगी बर्बाद की है। भैया तुम जानती हो नीरू, जिस लड़की को हम बहू बना के घर में लाए हैं वो लड़की पागल है। नहीं। यकीन नहीं आता ना, विनय को फोन करके पूछ लो, उसी ने मुझे सब कुछ बताया है। मगर ये तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? कुछ गड़बड़ होने से पहले रिसेप्शन तो बंद करवा दो।
नहीं। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मुझे डर लग रहा है। डर? हाँ, वो मेरा पर्स है ना, मेरी दवा है, आप दीजिए ना। जल्दी दीजिए ना। अगर आपको दौलत का ही लालच था तो मुंह खोल के मांग लेते और इस मुसीबत को किसी दूसरे के गले में डाल देते, मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद ना करते। किस जन्म की दुश्मनी है मुझसे जो आपने? क्या बात है? बात क्या होगी? अरे आज के जमाने में लड़के लड़कियां अपनी पसंद की शादी करने के लिए अपने माँ बाप की बात मानने से भी इनकार कर देते हैं, और तुम हो माँ की आखिरी ख्वाहिश, बाप का हुक्म सर झुका के मान लिया। जाके पूछो विनय से कि जाने से पहले किस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके जा रहा हूं। डरी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्यों परेशान हो? मैं विनय भैया से बात करता हूं। फिर डरी, आपसे बढ़कर मेरे लिए और कौन हो सकता है? हाँ, उसी का तो सबूत देके जा रहा हूं। डरी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जो सोच रहे हैं हो सकता है वो ना हो। ये दिलासा किसे दे रहे हो, मुझे या अपने आप को? डैडी, प्लीज प्लीज डैडी। ऐ सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? हरिया। तुम हकले हो? नहीं तो? अच्छा, मैं ये चाय बड़े बाबू को देके आता हूँ। ये चाय बाबूजी के लिए? हाँ। मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। आप देंगे तो क्या हुआ, दो। अच्छा पिताजी, क्या है? चाय लाई है। तुम क्यों चाय लाई हो? जी मैं आपके लिए। तुम हकलाती भी हो? जी नहीं तो। सुनो, मेरे लिए तुम्हें चाय लाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में इतने नौकर चाकर पड़े हैं, कोई भी ला सकता है। जाओ। हरिया, हरिया आया बाबूजी। क्या हुआ? कहाँ मर गया था? हैं? ये चाय उठा, दूसरी ले आ। क्यों? बकवास बंद कर। क्या अजितेश को बुला ला। छोटे बाबू इस वक्त घर में नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या बोल के गए हैं कहाँ जा रहे हैं? ये कोई खानदानी बीमारी तो है नहीं। जब माया 4-5 साल की थी तो इलाज के लिए उसे मेरे पास लाया गया था। उस वक्त वाकई उसकी हालत बहुत भयानक थी। 4-5 साल इलाज के बाद वो काफी कुछ नॉर्मल भी हो गई थी। अजितेश, जहां तक मैं समझता हूं कि उसकी जिंदगी में जरूर कोई ऐसा हादसा गुजरा है जिसे या तो वो याद नहीं कर पा रही या बता नहीं सकती। मैंने निवारण बाबू से कहा था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए उसकी शादी ना की जाए, मगर किस्मत की बात देखो, वही लड़की हमारे घर की बहू बनकर आ गई। अब मैं इस घर में आ गई, उसे ठुकराया तो नहीं जा सकता। मैं अपने लिए नहीं, डैडी के लिए बहुत परेशान हूँ। उन्हें सदमा पहुंचा है कि उनकी वजह से मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। विनी भैया, माया कभी ठीक नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती, ऐसा क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए माया को लेकर बाहर घूमने क्यों नहीं चले जाते? हो सकता है उस नए माहौल से हमें कुछ फायदा हो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ बता दे, वो बात, वो घटना जो उसके आत्मा को सता रही है। लेकिन इस तरह उसे ले जाना क्या ठीक होगा? भाई इसमें घबराने की कोई बात नहीं, और फिर ये दौरा तो उसे कभी कभी पड़ता है, उसके बाद दवाइयां तो हैं, कुछ मैं दे दूंगा। देखो अगर कुछ ज्यादा तकलीफ हो तो मैं खुद आ सकता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में ठीक रहेगा।
ठीक है, मैं डैडी को किस तरह समझा कर मना लेता हूँ। हनीमून पे जाना चाहते हैं अपनी नई नवेली पगली दुल्हन के साथ, और जानती हो ये सलाह किसने दी है? एक पागलों के डॉक्टर ने, जो खुद पागल है। मुझे अजीत इसने सब कुछ बता दिया है भैया, तुम तो बिल्कुल हिम्मत हार बैठते हो। आखिर हमें हाथ पे हाथ धर के भी तो नहीं बैठना चाहिए। जरा सोचो भैया, उस बेचारी मासूम लड़की को हम ठुकरा भी तो नहीं सकते। मेरे ख्याल से विनय ने जो राय दी है उसे एक बार आजमा के तो देखो। ठीक है, आजमा लो, यह भी शौक पूरा कर लो। मेरा भी एक शौक था बहू लाने का, जाने से पहले देखो उसे मैंने कितनी अच्छी तरह से पूरा कर लिया। डैडी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं परेशान नहीं हूं। अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो मेरी हिम्मत तो बिल्कुल टूट जाएगी। ओके सन, बेस्ट ऑफ लक। माया, कितना सुनहरा दिन है। इंसान के सामने हर दिन एक नई जिंदगी लेकर आता है। बीती ही रात कितनी ही काली क्यों ना हो, उसे भूल जाना चाहिए। सलाम साहब, घोड़ा चाहिए? हाँ 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 चाहिए। माया, घोड़े पे बैठोगी ना? नहीं नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ। शाबाश, चल बेटा चल। क्या बात? मुझे डर लग रहा है। कैसे डर? माया, क्या बात है माया? मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तेरे पास हूँ।
रहा तेरे सीने में दिल नहीं, क्या तू ही मेरी मंजिल नहीं, या क्या मैं तेरे काबिल नहीं, क्या सबब है क्या है कारण, तू क्यों उदास है, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है। अरे मनी सामान उतारो। जी तीरा कैसी हो बहू? अच्छी हूँ। अरे क्यों कैसे हो? सफर कैसा रहा? अच्छा अच्छा रहा, मगर मैं यहाँ पूरी तरह से फंसा। ये है ना कमबख्त तामचो मोटा, मुझे हर रोज थर्ड क्लास चाय पिलाता था। चलो हटो। अब तुम आई हो ना, तुम्हारे हाथ से अच्छी चाय मिलेगी। मैं भी ना। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, पहले तुम तैयार हो जाओ फिर बाद में चाय लाना। कोई बात नहीं। क्यों भैया? देखा विनय को तुम लोग जितना बेवकूफ समझते थे उतना बेवकूफ नहीं है वो, उसमें कुछ अकल है। अरे ओ बहू आई डैडी। अरे तुम किचन में क्या कर रही थी? आपके लिए बॉयल फूड बना रही थी। मेरे लिए बॉयल फूड? मैं बॉयल फूड नहीं खाऊंगा, किसी हालत में नहीं खाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है। अरे डैडी आप समझते क्यों नहीं? ये नहीं समझेंगे बहू रानी, हो तो गए हैं बूढ़े। अरे चुप, बूढ़ा हो गया तेरा बाप। बहू इस कमबख्त का मुंह बंद करना ही होगा, तुम ये बॉयल फूड छोड़ो और ऊपर जाके एक चिमटा लेके आओ और मेरे सारे सफेद बाल निकाल दो, फिर तो गंजे हो जाओगे बाबूजी। देखा देखा हरी काका, इस घर में हमारे डैडी को कोई बूढ़ा नहीं कहेगा। सुन लिया, आज से इस घर में सिर्फ बहू का हुक्म चलेगा, नहीं तो मैं सबको निकाल बाहर कर दूंगा। और देखो ये जो घास पत्ता बॉयल करना है ना, ये सिर्फ यही करेगा और खाएगा भी यही। तुम जा, तुम चिमटा लेके आओ जा। पर डैडी। अरे सफेद ना सही, सर पे जो दो चार काले बाल बचे हैं उन्हीं को निकाल दो। लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। जाओ जाओ चिमटा लेके आओ, चिमटा लेके आओ जाओ। अरे क्या हुआ बहू? नीरू क्या हुआ बहू? कुछ नहीं डैडी, यूं ही चक्कर। मुझे चक्कर आया था तो डॉक्टर ने कहा था हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। तुम नहीं समझोगे, ये दूसरा चक्कर है। आओ बहू, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर जाओ। जी अच्छा।
हरिया, अरे हरिया जी बाबूजी, नीरू कह रही थी ये दूसरा चक्कर है, ये दूसरा चक्कर क्या होता है? जी बाबूजी, ये शायद चक्कर उल्टा हो गया। आपको जब ब्लड प्रेशर हुआ था ना, तब ऊंचा था, बहुरानी का शायद नीचा। तू ज्यादा होशियारी मत कर, चल चल डॉक्टर फोन कर, मैं फोन करता हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब? मिठाई बांटिए बहन जी, बहू मां बनने वाली है। डॉक्टर मुबारक हो भूपेश बाबू। बड़े बेअकल हो जी, बहू बीमार है और तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। अरे बेअकल मैं नहीं, बेअकल तुम हो, तुम दादा बनने वाले हो। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? डॉक्टर का मुंह मिठा रहा है। सुना तुमने नीरू, डॉक्टर ने क्या कहा? आज उसे डबल फीस दिलवा दो। अरे ये हुई ना कोई बात। अच्छा मैं चलूं, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। डैडी, डैडी मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ, कैसा डर? मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ, क्या है? डैडी, माया, क्या हुआ माया? मेरी दवा दीजिए, मेरी दवा दीजिए ना। इसी तरह चलता रहा, कभी बहू ठीक है तो कभी दौरा पड़ गया। फिर एक दिन वो शुभ घड़ी आई, बहू को हम नर्सिंग होम ले गए। भैया घर में इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, बाबूजी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, दादा बन गए। बन गए? हाँ, लड़का, लड़का। तूने वहीं से फोन क्यों नहीं किया? मोटे वहां से यहाँ तक आने में 2 घंटे लगा दिए। अच्छा अजीत को खबर मिली है? चलो चलो चलो, फोन लगाओ, फोन लगाओ, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। अजीत बाबा वही अस्पताल में है। वही है? अच्छा। विनय बाबा भी वही है। विनय बाबा क्या कर रहा है? बहू कैसी है? अरे कमबख्त चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? बहू कैसी है? बहुरानी, बहुरानी बिल्कुल पागल हो गई। विनय बाबा कह रहे थे अब तो बहुरानी को पागल खाने में ही रखना पड़ेगा। बाबूजी, 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 भैया चल बस, बहू का असाइलम भेज दिया गया। नई जिंदगी के आने की इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई। विनय हमेशा कहता था बहू कभी ठीक नहीं होगी, अरे बेचारा हमेशा मां के प्यार के लिए तड़प तड़प कर बड़ा हुआ, और एक दिन तुम्हें मां बनाकर इस घर में ले आया। हम सब लोगों ने मिलकर फिर से एक नया सपना देखा, लेकिन आज विनय ने खबर दी कि बहू अच्छी हो गई है। तो क्या हुआ बुआ जी, ये तो बड़ी खुशी की खबर है, इतने दिनों के बाद घर की बहू वापस आ रही है। अरु को अपनी मां मिल गई। उमा, मैं तुम्हें भाभी से मांग कर लाई थी, उन्हीं की अमानत उन्हीं को वापस कर देती हूँ। मम्मी, 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 अरे नहीं मम्मी। हरिया, अरु को यहां से ले जा, इसके कपड़े बदल कर इसे दूध पिला दे। नहीं बुआ जी, आज तक अरुण मेरे हाथ से दूध पीता था, आज भी मुझे ही पिलाने दीजिए। Thank you.
जाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूं। जाओ। माया, क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो कौन कहता है? तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है? आप मुझे यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? मैंने भैया से बात करके तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा। सच? हाँ। मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे याद करता है? हाँ हाँ, बहुत याद करता है। क्या नाम रखा है? अरु, अरुणेश। अच्छा नाम है। अच्छा माया, तुम आराम करो, मैं जल्दी ही विनय भैया से बात करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आप सचमुच मुझे यहाँ से ले जाएंगे ना? हाँ, क्यों, यकीन नहीं है? मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अजितेश, मिलाए? हाँ विनय भैया, माँ तो बहुत अच्छी बातें कर रही है, अच्छी हो जाएगी ना? देखो अजितेश, फिलहाल पागलपन के तो कोई ऐसा नजर नहीं आते, मगर जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, ये दौरा कभी पड़ सकता है और हो सकता है ना भी पड़े, बस हमें एहतियात बरतनी होगी। इसका मतलब है मैं माया को घर ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, दो चार दिन में तुम उसे ले जा सकते हो। क्यों, क्या बात है? उन्हें भैया, माया अगर कुछ दिन पहले अच्छी हो जाती तो ये सब उलझने ना पैदा होती। समझ में नहीं आ रहा इन उलझनों को कैसे सुलझाऊंगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आओ माया। ये घर तो वो नहीं है। हाँ, वो डैडी नहीं रहे, तुम भी यहाँ नहीं थी, वो घर अच्छा नहीं लगता था। जीती रहो। आप अच्छे हैं ना बुआ जी? हाँ बहू। हरी काका, तुम तो बिल्कुल बड़े हो गए। थोड़े दुबले भी हो गए। शरीर कहीं। आओ बहू। अरु कहाँ है? अरु वो स्कूल गया है। मैं आज घर आ रही हूँ, ये जानते हुए भी आपने उसे भेज दिया? वो क्या था कि वो विनय भैया ने बताया ही नहीं कि तुम आ जाने वाली हो। तुम चलो, मैं उसे लेके आता हूँ। कहाँ है मम्मी? मम्मी अंदर है बेटे। अरे बेटे। डैडी, ये कौन है? बेटे, ये तुम्हारी मम्मी है। नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। हाँ बेटे, आओ मेरे साथ, पहले कपड़े बदल लो फिर दूध पी लो, चलो जल्दी चलो। वो क्या है कि 5 साल से तुम यहाँ नहीं थी, इसलिए शायद पहचान नहीं सकी। हाँ बहू, चलो तुम लोग ऊपर चलो। आओ बहू। मम्मी, मैं यहाँ हूँ। अरु, मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम तो काली हो, मेरी मम्मी तो गोरी है। क्या? मेरी मम्मी तो यही रहती थी, जब मैं स्कूल से आया तब दूध पिलाते वक्त बहुत होती थी और फिर चली गई। कैसी थी तुम्हारी मम्मी? देखने में तुम्हारी जैसी थी, मगर वो गोरी थी। हरी काका, हरी काका। क्या बात है बहुरानी?
अरु कल भी कुछ कह रहा था, लेकिन तुम सब ने मिलकर बात को टाल दिया। कौन है वो जिसे अरु कहता है वही उसकी मम्मी है? मैं नहीं। क्या बात है? बात यह है बहुत। मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने सुना मेरे गैर हाजिरी में यहाँ अरु की कोई मम्मी आई थी। पर ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे सब मालूम हो गया है। बात यह माया कि एक दिन अरुण ने तुम्हारी तस्वीर देख ली और तुम्हारी शक्ल से मिलती जुलती एक लड़की को मम्मी समझ के घर ले आया। बस और आप जो बता रहे हैं बात सिर्फ उतनी नहीं थी, बात कुछ आगे बढ़ गई थी। देखो माया, ये मैं नहीं थी। मेरे गैर हाजिरी में किसी ने मेरे बेटे को माँ का प्यार दिया, इसके लिए तो हम सबको उनका एहसानमंद होना चाहिए। इन हालात में हम और कर भी कह सकते थे, लेकिन अरु तो उन्हें ही मां मानता है। अरु अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब भूल जाएगा। मगर हमें क्या, उन्हें भुला देना चाहिए? अरु तो अभी उन्हें याद करता है, उनके मन में भी तो माँ की ममता उमड़ती होगी। मिसेस रुस्तम जी हैं जी, मुझे उनसे मिलना है। आइए 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 मिल जाओ। मम मम मम्मी 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 किधर है मम्मी? सोचे बच्चे सोचे, वो आई है। वो कौन बनते? शायद अजीतेश बाबू की बीवी है। मरेरी? हाँ, दिखने में बिल्कुल उमा जैसी है, लेकिन थोड़ी काली है। ऊपर से उमा आ जाओ। उमा नमस्ते, आप रुस्तम आंटी है ना? तुम तो अपना अजीत बाबा का बहू है नहीं? आओ आओ, इसको अपना ही घर समझो। आओ बैठो बैठो। आंटी, मैं एक बार उमा से मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं, अब भी बुलाती हूँ। नमस्ते। आंटी, मैं उमा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, निकलो, चलो तुम लोग बाहर चलो चलो। अरे जल्दी चलो, नहीं चलो तुम लोग बाहर जाओ, चलो बाहर। अरे तुम काहे को इधर खड़े लाए, चलो नहीं तुम भी। आपन आमने सामने तो पहली बार आए हैं, तुम भी मुझे जानती हो और मैं भी तुम्हें जानती जी। लेकिन आप मुझसे मिलने आई है? मैं अरु की माँ से मिलने आई हूँ जी। तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को छोड़कर इस तरह रह सकी? माँ, आप तो जानती हैं ये हकीकत नहीं है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ उमा। मुझे क्यों डर रही हो? किससे? मुझसे, अजितेश बाबू से, या अपने आप से? देखिए, मैंने सुना तुमने ये शहर छोड़कर जाने का भी फैसला किया था। तुमने मेरे लिए, मेरे अपने घर के लिए, मेरे बेटे के लिए जो कुछ भी किया मैं जानती हूँ। उसके पीछे एक रोती हुई माँ के दिल के सिवा और कोई गरज नहीं थी। मेरे अचानक उस घर में आने और तुम्हारे चले जाने से अजीब किस्म के हालात और सन्नाटा पैदा हो गया है, और उस सन्नाटे का शिकार हमारे साथ साथ तुम भी हो। मगर वो नादान बच्चा कहीं उस सन्नाटे में खो न जाए, और आज इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि इस वक्त अरु पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। कहीं इससे हमारी जिंदगी में उलझने और न बढ़ जाए? उन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुमसे बड़ी हूं, यही समझ लेना कि मैं तुम्हारी दीदी हूं। चलो। अरे मुझे पकड़, मम्मी, मुझे पकड़। अरे अरु
माँ, तुम कब आए? वो नहीं आई, मैं उसे लाई हूँ। जिस तरह एक बेटे को माँ की जरूरत है, उसी तरह माँ का दिल भी यही चाहता है कि वो अपने बेटे के पास रहे। वो तो सब ठीक है, मगर चलो ऊपर चलते हैं। यही ठीक रहेगा, माँ बेटे को हंसने खेलने दीजिए। माया, तुम ऊपर चलो, मैं भी आता हूँ। जी हाँ। माया क्या बचपना कर रही है, तुमने भी उसे नहीं रोका? मुझे मालूम नहीं था, वो कब हरिया से पूछकर अपना घर चली गई। खैर अजितेश, मैंने सोचा है कल सुबह की ट्रेन से बनारस चली जाऊं। क्यों बुआ, अचानक ये फैसला क्यों? खुशी की खबर सुनकर सब कुछ छोड़कर चली आई थी, आखिर वापस भी तो जाना है। तुम मुझे टालने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ये बात नहीं अजितेश, जब भी इस घर में कोई खुशी का मौका आया, न जाने भगवान से क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है बुआ, जिस बात में तुम्हारी खुशी है वही करो। अजितेश नाराज हो गया? नहीं बुआ, हम सब हमेशा ही हालात के शिकार हैं, अब नाराज भी हूं तो किस पर? मेरी एक बात मानेगा? कहो बुआ। स्वामी जी कह रहे थे तो एक बार उनसे मिलने गया था। हाँ, ऐसे ही चला गया था। जब ये सब मानने ही लगा है तो एक बार माया को वहां लेकर क्यों नहीं चला जाता, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, चला जाऊंगा। महाराज, अजितेश बाबू अपनी धर्म पत्नी को लेकर आए हैं। क्या देख रही हूँ मैं? मुझे ऐसा लगता है ये जगह मेरी जानी पहचानी है, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। ऐसा होता है, कभी कभी पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। चलो, महाराज बुला रहे हैं। अरे रुक गई, आओ ना, आओ। याद है कि स्वामी जी से मिलने से पहले माया बिल्कुल नॉर्मल थी? बिल्कुल ठीक थी, और जब मैं उसे गाड़ी में से लेने आया तो कहने लगी कि जगह मेरी देखी भाली है। क्या? हाँ। माया, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? तुम उस स्वामी जी से मिलने गई थी, तुम उनको मारने गई थी। माया याद करो, तुमने कहा था कि तुम उस जगह को जानती हो। याद करो माया, याद करो। हाँ।
बाबूजी ये क्या है? बेटा इसे दिया स्तंभ कहते हैं, इसमें दिए जलाते हैं। आओ आओ, याद करो माया, याद करो। तुमने स्वामी जी को देखा, याद करो। अरे निवारण, आओ आओ। कब आए पूना से? बस महाराज आज ही आया और स्टेशन से सीधा आपके चरण दर्शन के लिए आ गया। हरिओम। बाबा को प्रणाम करो बेटी। ये हमारी बड़ी बेटी छाया है। अच्छा अच्छा, और महाराज ये छोटी बेटी है माया। जब आप पूना आए थे ना तो ये बहुत छोटी थी। हम बड़े संकट में आपके पास आए हैं, हमें इसी वक्त सूरत जाना है। सूरत में तो तुम्हारा ससुराल है ना? जी हाँ बाबा, आप तो जानते हैं बहुत दिनों से मेरी माँ को टीबी है, कल ही टेलीग्राम मिला है, उनकी हालत बहुत खराब है। हरिओम। हमें तो जाना ही होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बच्चियाँ भी हमारे साथ जाएं, क्योंकि ऐसी बीमारी में, इसीलिए अगर दो चार दिन के लिए ये बच्चियाँ आपके आश्रम में रह जाती तो हम निश्चिंत हो जाते। यहाँ रहने की क्या जरूरत है, मेरे एक शिष्य का मकान खाली पड़ा है, ये दोनों वहाँ रह लेंगी, आराम भी मिल जाएगा और रात को मैं खुद वहाँ चला जाया करूँगा। फिर तो हम निश्चिंत रहो। फिर क्या हुआ माया, बोलो बोलो माया बोलो। दीदी का क्या हुआ? याद करो। दीदी, दीदी, क्या हुआ? अरे, यही है वो सारी कहानी अजितेश। आज उस कमीने साधु को देखकर माया के सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें छुपी हुई थी वो जाग उठी। विनय भैया, उस महात्मा से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। नहीं अजितेश, उस कमीने को हम कानून के हवाले करेंगे। कानून के पास जो उसकी शिकायत लेकर जाएगा, कानून की नजरों में उसे पागल साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में महात्मा है और हमेशा महात्मा रहेगा। अजितेश, तुम करना क्या चाहते हो? मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस कमीने की जबान से उसके गुनाह मैं खुद कबूल करवाऊंगा। हाँ, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जिन्हें लोग भगवान का अवतार समझकर पूजते हैं, महात्मा समझकर सब कुछ उनके कदमों में निछावर कर देते हैं, और ये लोग भगवान का नाम लेकर कितने गुनाह और दरिंदगी के साथ शान से जीते हैं। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आज दिन में ब्लैक सूट पहन लिया, ब्लैक सूट। रात को कोई पार्टी है? आज जो सामने है बस पहन लिया। अरे अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ये वो, अरे उमा कह रही थी उसे कहीं नौकरी मिल गई और तुमने उसे जाने नहीं दिया। और क्या करती, वो आराम से जाकर नौकरी करती और उसके बच्चे को कौन संभालता? मैं? देखो माया, मेरे ख्याल से उसे जाने दिया होता, उसे भी दिल बहलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, हम उसे क्या दे सकते हैं? देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, उमा को दोबारा इस घर में लाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए दीदी। अरे आओ उमा, आराम कर रही हो? इसके सिवा तूने मुझे इस घर में करने को रखा ही क्या है? देखो दीदी,
मैं अभी कह रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी अरु कभी नहीं मानेगा कि तुम उसकी माँ हो। मुझे क्या पड़ी है कि तेरा बच्चा मुझे माँ माने, ये मजाक की बात नहीं है। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उमा, बार बार एक ही बात दोहरा कर तुम मुझे शर्मिंदा क्यों करती है? अरु तुझे इस घर में माँ बनाकर लेके आया है, और अरु की माँ बनने का हक सिर्फ तुझे ही है। मैं तो जिंदगी भर उसकी आंटी बनकर ही जीऊंगी, और फिर जीने का भी क्या भरोसा है, कल अगर मैं मर गई तो? ये कैसी मनहूस बातें कर रही हो दीदी? देख उमा, तू जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरु गलती से भी मुझे मान ही मानेगा। कल शाम को हम दोनों टेरेस पर थे, अंधेरा था, फिर भी अरु ने भागकर तुझे ही माँ कहकर पकड़ लिया था ना। वो तो इसलिए दीदी कि अरु ने मुझे कभी इतने सारे गहने ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, आज टेरेस में मैं तेरे कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती हूँ, तू छुप कर देखना, देखती हूँ अरु मुझे माँ कहता है कि नहीं। ठीक है। किसी ने गोली मार दिया। अरे दीदी, ये कैसा हो गया? मम्मी, मैंने नहीं कहा, वो आदमी छत पे से गोली चला के भाग गया, और मैं काला सिर पे आया था। ये देखो, दीदी पर किसी ने गोली चलाई। आप जल्दी इन्हें नीचे ले चलो, मैं अजितेश बाबू को फोन करती हूँ। चलो अरु। उठो महारानी, उठो। अरु तू इधर बैठ जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? महारानी, बहुत दर्द हो रहा है। ले जा, धीरे से ले जा। हेलो, चौधरी एंटरप्राइजेस, जरा जल्दी से अजितेश बाबू को बुलाइए। नहीं है वो, कहाँ गए जरा बता सकेंगे? कुछ बता के? अच्छा अच्छा, तो फिर अगर वो आई या फोन किया, उनको बोलो फौरन घर चले आए। ओके मैडम। अच्छा, हेलो, वन मिनट प्लीज सर, आपके लिए टेलीफोन है। हेलो, मैं उमा बोल रही हूँ, आप जल्दी यहाँ चले आइए। क्या बात है? माया दीदी पर किसी ने गोली चला दी। What? क्या कर रही हो तुम? आप जल्दी चले आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजितेश कहाँ है? अजितेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आपसे कुछ बातें करनी है। बातें तो हम वहाँ भी कर सकते थे, कोई खास बात है क्या? तुम्हारी पत्नी कैसी है? माया बिल्कुल ठीक है, आपके दर्शन जो हो गए महात्मा जी। मैं कुछ समझा नहीं। निवारण शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा। निवारण शर्मा? हाँ, निवारण शर्मा। तुम्हारी काली कटुषों की वजह से उस 5 साल की बच्ची के दिल में जो डर और खौफ पैदा हुआ, उससे वो पागल हो गए। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरे डैडी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। अजीत बड़ी, ये तुम जी चाहता है तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा और दुनिया वालों को तुम्हारी असलियत का पता चल जाए। चलो मेरे साथ। आप कह रही थी अजितेश बाबू के बच्चे ने उस आदमी को भागते हुए देखा है? जी हाँ। तो ठीक है, बच्चे को बुलाइए। कहाँ थे आप इतनी देर? क्या बात, इतनी पुलिस किस लिए? अजितेश, कहाँ थे तुम? विनय भैया, ये पुलिस किस लिए? बात है अजितेश के माय पे किसने गोली चला दी। हाँ, कहाँ है वो? ऊपर। माँ, तुम इस तरह खड़ी क्यों? जाओ जाके अरु को ले आओ। नहीं विनय भैया, अरु पुलिस के सामने नहीं आएगा। क्यों? अरु तो बच्चा है, वो पुलिस के सामने आकर क्या करेगा? आप उनसे कह दीजिए ना कि अरु सो गया। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने गोली निकाल दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है,
इन्हें सुन दीजिए। ये सब कैसे हो गया? मैं भी यही सोच रही हूँ जितेश बाबू। आखिर माया का दुश्मन कौन हो सकता है? अनजाने में कौन कब किसका दुश्मन बन सकता है ये किसे मालूम है। हरिका कारू को तो मैं इसे सुला देती हूँ और तुम यहीं रहना। जितेश, नीचे इंस्पेक्टर बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तुम आओ चलो मिलो उससे। अरे काका, तुम आराम करो, मैं हूं यहां। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोच रहा हूं कि अजितेश तुम जाओ आराम करो। चलो तुम सब मेरे दुश्मन हो, दुश्मन हो मुझे मालूम है। तुम सब मिलकर मुझे मार डालना चाहते हो। नर्स, लेकिन इनको मेरे घर ले आओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अरे कहां लेकर जा रहे हो, छोड़ जाना मुझे। तोड़ दिया, सब तोड़ दिया, क्या कर रही है? हाँ? पागल हो क्या तुम लोग? पागल हो, छोड़ दो मुझे। नर्स, तुम लोग जाओ यहाँ से। माया, बहुत हो चुका है नाटक। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल नहीं हो, पागल बनकर नाटक कर रही हो। क्यों, किस लिए? नहीं नहीं भैया, आप मुझे पागल बना दीजिए। मेरे लिए मेरी जिंदगी अच्छी है, कम से कम मैं सब कुछ भूल तो सकूंगी। मैं नहीं भैया, आप समझते क्यों नहीं? आज मेरे लिए उस घर में कोई जगह नहीं, इसलिए तो मुझे इस दुनिया से हटा देना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? कौन तुम्हें दुनिया से हटा देना चाहता है? अरुण ने देखा, वो काला सूट पहने हुए थे और आज सुबह ही मेरे सामने वो। ये गलत है माया, तुम इस गलतफहमी का शिकार कैसे हो गई? उसे गलत समझकर इतना बड़ा इल्जाम उस पर मत लगाओ माया। उसने जिंदगी में बहुत दुख सहे, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब अगर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो आदमी कहीं पागल ना हो जाए। देखो माया, इस वक्त तुम परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता। अरे भोला जी। सरकार, देखो भाभी जी को सोने का इंतजाम कर दो। जी अच्छा सरकार। जाओ माया। आठ बज गए। जी हाँ सरकार, चाय ले आऊं? हाँ चाय ले आओ। भाभी जी को चाय दे दी?
सरकार, वो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है, कहाँ गई? उनके कमरे का दरवाजा खुला था, मैं अंदर गया तो ये चिट्ठी मिली आपके नाम। चिट्ठी? तुम चाय ले आओ। विनय भैया, मैं अपने पति को खुशी नहीं दे पाई, बेटे को माँ की ममता नहीं दे पाई, और आज ऐसा लगा कि इतने दिनों बाद इस घर में जो एक सुख और शांति वापस आ रही थी, भगवान ने उसमें अड़चन डालने के लिए मुझे अच्छा कर दिया। इसलिए आज मैं जा रही हूँ। आप उमा से एक बात कह दीजिएगा कि मेरी तलाश न करें, मैं कभी नहीं मिलूंगी। आप उमा से एक कहिएगा, अरु की जिम्मेदारी उसी की है, और अरु जिंदगी भर यही जाने कि उमा ही उसकी माँ है। मैं अपनी जिंदगी के सारे आशीर्वाद उमा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। माया चली गई, अब माया कभी वापस नहीं आएगी। नहीं, हाँ यही है सारी कहानी। और इतने सालों बाद जब वही अभागन माँ चुपके से अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आई, तो सारी दुनिया ने उसे चोर समझ लिया। माया, गलत समझ कर तुम मुझे इतनी बड़ी सजा देकर चली गई। मुझसे पूछ तो लिया होता, कहा कहा तुम्हें नहीं ढूंढा मैंने, कम से कम। दीदी, ये घर, ये संसार आज भी तुम्हारा है। तुम्हारों की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी, आज इस खुशी के मौके पर इसे वापस ले लो। अरे बेटा, इनकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि तुम इन्हें एक बार मां कहकर पुकारो। जाओ मां, मां। दिल में गम लब पे फरियाद है, प्यार की बेबसी याद है। जिंदगी एक जंजीर है, मर गया जो वो आजाद है। कोई क्या करे, मिलते मिलते जब ये कर दे जुदा, बेवफाई करे ये वफाई।